अब बताओ एंट्री कहाँ करोगे? एमए लाइन अभी भी यहाँ पड़ा होगा, अब मार्केट यहाँ खड़ा होगा, आप एंट्री कहाँ करोगे? आप सोचते रह जाओगे, थोड़ा सा रिट्रेस होने दो, यहाँ पे एंट्री लेंगे, अब यहाँ तक आएगा ही नहीं, यहीं से फिर से मुड़ जाएगा। अब एमए लाइन पहुंचा यहाँ तक, ये जो एमए लाइन के साथ उसका जो गैप है ये हमेशा मेंटेन रखेंगे, ताकि छोटा प्लेयर जहां वहां एंट्री ना कर पाए। और गलती से इसमें थोड़ा टाइम डिके हो गया और एमए लाइन ऊपर आ गया और छोटा प्लेयर एंट्री कर लिए वहां पे, तो वहीं से मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा। ज्यादा नहीं, कितना गिरेगा? उसका जो प्रीवियस एंट्री था, मतलब यहाँ पे जो एंट्री इस लेवल पे, यहाँ पे जो नॉर्मल लोगों का एंट्री का सोच था, अब यहाँ पे फोमो में एंट्री करेंगे तो इसको स्टॉपलस बनाएंगे, इसको इसको स्टॉपलस बनाएंगे, तो मार्केट इसको काटेगा फिर जाएगा। ये नॉर्मली होते रहता है, ये नॉर्मली मार्केट में यही होता है। देखो जब हम लाइन पे शिफ्ट हो गए तो सब कुछ कितना सही लगने लगा है। पहले जब कैंडल था, कैंडल का पूंछ इतना लंबा लंबा था तो कंफ्यूजिंग लग, कैंडल देखने में मजा आता है क्योंकि कलरफुल होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, उसका सर होता है, उसका पैर होता है, और वही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है। बट हियर इस तरह से आप जब मार्केट को देखना सीख जाओगे तो आपका जो कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। कभी कभी कैंडल भी देख लीजिए करो, ऐसा नहीं है कि कैंडल देखना बेकार है, देख ही लो, कोई बात नहीं है। चलिए अब इसको 1 मिनट में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको लगेगा कि मार्केट हेविली बेयरिश है, क्योंकि यहां से यहां तक एक बेयरिश मूव ऑलरेडी दे चुका है, तो आपको लगेगा मार्केट हेविली बेयरिश है, बट केस वो नहीं है। अब इसको 5 मिनट में जाके देखो, क्या अभी आपको बेयरिश लग रहा है? अभी साइडवेज लगेगा आपको, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फ्लैग के अंदर है, ये अभी भी उसी फ्लैग के अंदर, ये उसका फ्लैग का पोल है, ये उसका पोल है और ये उसका फ्लैग है। और जैसे जब भी अप ट्रेंड में कोई फ्लैग और पोल और फ्लैग बनता है तो मार्केट नॉर्मली ऊपर को ही जाता है, तो इसलिए यहाँ से कोई भी सेल का ट्रेड प्लान मत कीजिए। सेल का ट्रेड का प्लान कब होगा? जब ये लिक्विडिटी का जोन, जहां पे सबसे ज्यादा मार्केट लिक्विड है, अभी देखिए ये लिक्विड जोन को तो ग्रैब कर लिया, यहाँ से अब यहाँ तो कोई लिक्विडिटी नहीं था, यहाँ पर था और यहाँ पर था, तो इसको मार्केट ने ग्रैब कर लिया। अब अगर इससे नीचे आएगा तो सीधा इस जोन का लिक्विडिटी के पास आएगा, यहाँ पर अगर इसको तोड़ देता है तो फिर आप एक लंबा सा डाउनसाइड का प्लान कर सकते हो, और उससे पहले हमेशा सोचिए कि आपको अपसाइड में ही रहना है, आपका सोच हमेशा ऊपर की तरफ रख। नहीं किया, या तो पहले घुस गए, या तो फोमो में, या तो फियर में जल्दी निकल गए। दौड़ता हुआ मार्केट में आप घुस जाते हो, गिरता हुआ मार्केट में घुस जाते हो, उठता हुआ मार्केट में घुस जाते हो,
भाई उसका मार्केट में एंट्री लेने का एक परफेक्ट देखिए, अभी तक भी जो मूविंग एवरेज है वो इससे भी यहां तक आया है, यहां तक, लेकिन मार्केट उससे कितना नीचे है, तो ऐसे ऐसे तो मार्केट नहीं गिर सकता ना। अगर रिट्रेसमेंट नहीं होगा तो ये कोई बड़ा मूव नहीं हो सकता, इसका रिवर्सल काफी दर्दनाक होता है। इसमें अगर घुसने का ट्राई करोगे तो ये सिंपली हो जाएगा एक फोमो ट्रेड, फियर ऑफ जो मिसिंग आउट कहते हैं कि शायद मिस कर जाऊं ये वाला मोमेंटम। अरे ये वाला मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, उसका रीजन था ये। उसके बाद ये रिट्रेचमेंट यहाँ पे क्यों रिट्रेच हुआ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी था। देखिए उसके आसपास जो सबसे ज्यादा लिक्विड एरिया होगा वही उसके लिए रिट्रेज होके वहां पे जाएगा, उसके बाद ये गिरावट आया। अगर यहां से आप ऊपर का प्लानिंग करे हुए तो वैसे भी भाग सकता है, लेकिन नीचे का अगर प्लानिंग करोगे तो यहां से फिर से उसको एक लिक्विड एरिया चाहिए जहां पे ज्यादा स्टॉप लॉसेस हो। अभी के हिसाब से स्टॉप लॉसेस मेरे हिसाब से, एक मिनट, बहुत गंदा हो गया चार्ट। अभी के हिसाब से लिक्विडिटी मिलेगा उसको इस यहाँ पे, इसी लाइन के आसपास, इसी जोन में ही मिलेगा। ये सब दिखता बहुत आसान है, होता भी है, बट इंतजार करना सबसे इम्पोर्टेंट है। सही।